अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? कितनी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज खाने में बन रहा है आलू बैंगन। आलू बन डाल दिए हैं, ये रहे हमारे बैंगन। अच्छा जी, खाना बन रहा है। साथ में मैंने आज सुबह ही ना कपड़े वॉश करने के लिए मशीन लगा दी थी, तो ये मैं अभी ड्रायर में चला दूँ। अंदर चलो, अंदर चले मेरा बेटा। आज थोड़ी सी बुनाई के बाद इसमें बैंगन ऐड कर देते हैं। अंदर आ जाओ। और ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, मैंने कहा था इसको 2 मिनट के लिए प्रेशर लगाती हूँ, और पानी थोड़ा ज़्यादा ही लग गया। चलिए इसको खुश्क होने देते हैं और इसमें इसमें धनिया डालते हैं। और ये देखें जनाब, सारे कपड़े। एक्चुअली असल में ना मैंने आज बेड शीट्स धोनी थी। मुझे मेरा मेन जो मकसद था ना लॉन्ड्री का, उसमें ये 3 अदद बेड शीट्स थी जो कि धोने के लिए धोने वाली हो गई थी, और ये चौथी जो है वो ये सिंगल है। तो बस फिर जब मैंने ये धोई तो साथ मैंने ये जो छोटे मोटे से कपड़े थे, मैंने कहा चलो ये भी साथ वॉश कर लेते हैं। बस अब हंडिया हमारी कंप्लीट हो रही है, और वो देखें इसके काम चेक करें, बस ये ऐसे ही करता है। ये देखिए केबल नहीं आ रही है कल से, मेरा बेटा बेचारा बोर हो रहा है। जी मेरी जान जी, ये आपने क्या किया है, इसको अंदर रखें। और जनाब अब हमारा हो चुका है आलू बैंगन का मज़ेदार सा सालन तैयार। और यार पानी थोड़ा ज़्यादा ही जल गया था मुझसे, अब उसी को ड्राई कर रही हूँ, और बस थोड़ा सा रह गया क्योंकि देखिए ऑयल जो सेपरेट हो रहा ना, तो बस अब जो है इसमें मैं ये धनिया ऐड कर दिया मैंने, और हमारा आलू बैंगन का यम्मी किस्म का सालन तैयार है। ये ले जनाब, रेडी है। बच्चों के लिए जल्दी से रोटी बनाते हैं। यार वैसे मज़े का बना है ये, देखिए तो सही अच्छा बना ना। वेलकम बैक। अच्छा जी, खाना बच्चों को भी खिला दिया था, मैंने भी खा लिया था। चलो आ जाओ, मैं तो सुनाऊँ नहीं नहीं कराऊँ आपको, जल्दी आओ, जल्दी से आ जाओ। और ये देखिए यहाँ रख दिया इसने बर्तन किचन के उठा के ना, अहमद हसन साहब यहाँ रख देते हैं। अब बच्चों को नहलाने लगी थी मैं, तो मैंने कहा चले कपड़े वगैरह निकाल देती हूँ। ये हसन के मैंने निकाल दिए हैं, और ये वाला जो है अहमद हसन का। सभी बच्चों को मैं रेडी करती हूँ नहलाने के बाद, फिर आपसे मिलवाती हूँ बच्चों को। और ये देखें जी, मेरे बच्चे रेडी हो चुके हैं, फ्रेश हो गए नहा के। अहमद हसन क्या किधर, ये स्नेक है? ओए ये कैसा स्नेक है? खड़े हो जाओ। खेलो। इधर मैं दरवाज़ा बंद करने लगी हूँ, जाओ अंदर आओ। हसन अंदर आओ, हसन
इधर 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 इधर। वेलकम बैक फ्रेंड्स। भाई मेरे बेटे ने फरमाइश की है कि मामा आज मुझे मीठे मीठे चावल खाने हैं, ठीक है। काफ़ी दिन हो गए ऐसे मैंने इनके लिए ये वाले राइस ज़रदा बनाया नहीं है, तो मैंने सोचा चले यार फिर एक गिलास जो मैं ये राइस बना रही, क्योंकि अतीक ने वैसे तो उनको बहुत शदीद पसंद है लेकिन उन्होंने खाने नहीं है क्योंकि वो डाइट पर हैं। सो बस एक ही गिलास बना रही हूँ, बच्चों को खिलाऊँगी, थोड़े बहुत खुद भी चख लूँगी। और ये था हमारा आलू बैंगन जो अब दोपहर में बनाया, और ये है मेरा छोटा सा बैंगन। पकड़ो इसको, पकड़ो इस लड़के को, भाग गया। अच्छा जी ये देखिए मैंने दूध में चीनी डाल के शीरा सा बनाने के बाद उसमें राइस ऐड कर दिए, और अभी ये जो ड्राई होगा फिर इसको दम पे लगाएंगे, दूध जो है ना वो थोड़ा ड्राई हो जाए ना फिर मैं आपको दिखाऊंगा। वेलकम बैक यार, मेरे राइस जो वो तकरीबन तैयार हो गए हैं, तकरीबन नहीं यकीनन, अच्छी अच्छी सी मीठी मीठी सी खुशबू आ रही है ये देखिए। क्योंकि मैंने बनाए बिल्कुल थोड़े से हैं, चलें अब बच्चों को खिलाते हैं, उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको कहाँ मिलती है। वीडियो को लाइक कर दे यार। और जनाब राइस हमारे तैयार हो गए हैं, बच्चे मेरे जनाब राइस के लिए मेरे पीछे पीछे हैं। मैं आपको ज़रा राइस बना, राइस की ज़रा अच्छा हो बेटा, खांसी आती है तो मुँह पे हाथ रखते हैं। अभी बहुत गर्म है, ठंडे हो जाएंगे ना फिर खिलाऊंगी, ठीक है। देखा ना अभी हॉट है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। चले जी अब वो आ गया है टाइम जब हम इस पोटलियों को करेंगे अनपैक। अनपैक नहीं यार, ज़्यादा भी ओवर ना हो जाए करो सादिया। अच्छा वैसे एक मज़े की बात बताऊँ आप लोगों को, कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है या पता नहीं क्या करता है, तो आज मैं गोलगप्पे खाने लगी हूँ। यकीन करें मैंने पूरे दर्जन गोलगप्पे खा लिए उसके साथ ना, पानी के साथ, ठीक है, खट्टे पानी के साथ, और अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गला ना 80-90% जना वो ठीक हो गया यार। ये वाकई बात है, लोहे को लोहा काटता है। चले यार अब इसको करते हैं, खोलते हैं, देखते हैं कि जो हमने चाहा था क्या वो हो गया है, मतलब जो हम इसको हम चाह रहे थे कि अच्छी तरह से उग जाए। तो अभी लेट्स सी, इसको मैं खोलती हूँ। अच्छा मैंने मोबाइल को रख के ना दोनों की गिरे खोल ली हैं, अब मैं इसको ओपन करूँगी आप लोगों के सामने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ माय गॉड, यही हमें चाहिए था, ये देखें। ओ वाओ, अच्छा इसको सही रोशनी और सही हवा मिली, मुझे तो डर लग रहा है इसको हाथ लगाते हुए। अच्छा सही रोशनी और सही हवा मिली है ना इनको, तो ये बड़े अच्छे से उग चुके हैं ये देखें। ये एक्चुअली हमारा मकसद भी यही था कि हमने इस मेथी दाना को ना अच्छे से उगाना था यार। मैंने तो इतनी क्वांटिटी ज़्यादा कर दी है, हालांकि मुझे सिर्फ इतना चाहिए था, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने बालों के लिए चाहिए था। और मैंने जो ना ये देखेंगे, आप किसी को चाहिए तो आके मेरे घर से ले जाएं और अपनी ए डी आई वाई हेयर ऑयल बना लें, वो मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया यार। ये देखें बहुत अच्छे से उग गया। एक्चुअली हमारा मकसद भी यही था कि हम इसको जो ना वो अच्छे से उगा लें, और उस मकसद में हम हो चुके हैं पूरी तरह से अल्लाह के हुक्म के साथ कामयाब। इसको ना मैं आज रात में ना ऐसे खुला रख दूंगी किसी चीज़ में, ठीक है, इसे खुला रख दूंगी ताकि हवा लगे थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए, और सुबह को ना मैं इसको वो कर लूँगी, क्या बोलते हैं उसको यार, वो कर लूँगी ग्राइंड, ठीक है, ग्राइंड करके फिर मैं इसको सरसों के ऑयल में डाल के रख दूँगी। दो चार दिन के बाद फिर वो ऑयल जो वो यूज़ के लिए मैं मतलब यूज़ कर लूँगी, और इंशाल्लाह अभी गले में असरात बाकी हैं वैसे, इंशाल्लाह हमारा बहुत ही मैजिकल किस्म का हेयर ऑयल तैयार हो जाएगा। चले यार इसको मैं किसी बर्तन में डाल के फैला के रखती हूँ। अच्छा जी इसको मैं इस मैंने लगा दिए मिक्स,
अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसको जो है वो पीस के इसमें डाल लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा खुले मुंह वाली बॉटल में चाहिए था। हालांकि ये जो है ना वो शीशे का है जार, मेरे पास एयर टाइट जार है, ठीक है तो मैंने ड्राई फ्रूट्स के लिए लिया था। खैर फिलहाल आप मैं इसी के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने तो दरदरा सा पीस लिया इसको, ये देखें ये, क्योंकि हमने इसको मोटा मोटा ही रखना है, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना, ठीक है ना। तो ये बन रहा था मेरे से, सही बात बताऊँ तो मैं आपको। अब मेरे पास है ये सरसों का ऑयल, ठीक है, ये मैं इसमें डालूंगी। वैसे आप चाहें तो आप कोई भी और ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल जो है वो बिस्मिल्लाह सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा बचा दूँ यार, बगैर इसके भी सारा मैंने ही नहीं यूज़ करना होता घर में, कुछ सादा भी चाहिए होगा किसी को, ज़ाहिर है। इसमें जो है वो मैं इसको थोड़ा सा कर, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अचार डाल दी। ये देखिए, अच्छा अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या, ये तो वो है, क्या कहते हैं उसको, मतलब अचार साथ में ऑयल के ये भी आएंगे जर्रे, तो कोई बात नहीं है, जर्रे आए इसी के साथ तो स्कैल्प पे हमें मसाज करना है। ये हमारा DIY हेयर ऑयल तैयार हो गया, इसमें बंद करके रख देती हूँ, किसी ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पर जो है वो ये किसी का हाथ ना पहुँचे बच्चों का, और फिर इसको हम यूज़ करेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों ने पसंद किया होगा। यार आजकल आप फिर भूल जाते हैं लाइक करना, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी इस वीडियो के नीचे अपना प्यार भरा मोहब्बत से भरपूर कमेंट छोड़ दें, इससे मुझे आपके होने का एहसास होगा। अल्लाह हाफिज़।